अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर तू खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। पतंजलि के नामी गिरामी हस्तियों में शुमार, स्वामी रामदेव ने कोरोना महामारी में हुई बेतहाशा मौत के लिए एलोपैथिक दवाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। अब आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री यानी वजीर सेहत को खत लिखकर बाबा जी के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त की है। आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन जरा कुछ देर ठहर कर इस मामले के इतिहास और भूगोल पर चर्चा कर लेते हैं। बात है साल 2020 के मार्च महीने की, जब पूरे मुल्क में कोरोना ने हाय तौबा मचा रखा था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नफसी नफसी का आलम था। हर शख्स अपने अपने खुदाओं की पनाह मांग रहा था। किसी ने राम को पुकारा, किसी ने अल्लाहु अकबर, किसी ने बिनते मरियम को, किसी ने वाहेगुरु को आवाज लगाई, किसी ने पुकारा खुदाए कोहेतूर को। भारत में भी हर शख्स जब गिनने लगा अपनी आखिरी सांस, तब बादशाह वक्त ने कहा, पीटो ताली थाली, बजाओ शंख गिलास, जलाओ दिए, जलाओ मोमबत्ती टॉर्च। जी हाँ, हमारी बातें कुछ लोगों की समझ से परे हैं, लेकिन जो समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफी है। एक है स्वामी रामदेव, कहने को तो योग गुरु हैं, योग को इन्होंने जिंदा कर दिया, लेकिन भारत की पावन भूमि पर योग मुर्दा ही कब था। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, तब बाबा जी मोदी जी के जुमले को झट से लपक लिया और महामारी को अवसर में तब्दील कर दिया। जब भारत समेत पूरी दुनिया ही कोरोना को मात देने के लिए ह्यूमन ट्रायल कर रही है, तब रामदेव ने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया और कोरोनिल नाम की कथित कोरोना की दवाई लॉन्च कर दी। स्वामी जी कहने लगे कि इससे कोरोना नहीं होगा, और जिसे कोरोना हुआ है वो इस दवाई से बिल्कुल भला चंगा मलंग हो जाएगा। इस कोरोनिल को बेचने की जल्दबाजी में बकायदा स्वामी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों के सामने अपने माल की जमकर तारीफ कर दी। जब चारों तरफ हंगामा होने लगा, शोर शराबा हो हल्ला हुआ, तब मामला आयुष मंत्रालय के कानों तक पहुंचा। उस वक्त रामदेव की शान में चमचमाते स्टूडियो में बैठे प्रवक्ताओं ने जमकर कसीदे पड़े, लेकिन जब आयुष मंत्रालय ने सवालों के तीर दागे, तब रामदेव अपने बात ऐसे पलटे जैसे वो सूट सलवार पहनकर रामलीला मैदान से भागे थे। पोल खुली तो पता चला कि उनके पास कोरोना की दवाई बनाने का कोई लाइसेंस ही नहीं था, उनके पास भारत सरकार की किसी भी संस्था से कोई परमिशन नहीं मिली थी, जिसके आधार पर स्वामी जी कोरोना की दवाई बनाने का दावा कर रहे थे। उनके पास केवल सर्दी खांसी जुखाम की दवाई बनाने का लाइसेंस था, लेकिन आटा तेल सत्तू शैंपू से लेकर आंवला एलोवेरा जूस और शहद बनाने वाले रामदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर स्वदेशी का राग अलापा और चंद महीने बाद ही फिर कोरोना की दवाई लॉन्च की, और इस बार उन्होंने रक्षा कवच के तौर पर मोदी जी के ही दो मंत्रियों को टोपी पहना दी, जिनमें से एक खुद ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है तो दूसरी तरफ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। स्वामी रामदेव ने मोदी के दोनों केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में अपना माल थमाया और अपने माल का कमाल सुनाना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने यहां तक दावा कर दिया कि उनकी दवाई को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता मिल गई है। इतना सुनते ही टीवी चैनलों पर फिर से स्वामी रामदेव की लफाजियों के चर्चे होने लगे। WHO भी बाबा जी के दावे पर हैरान हो गया कि आखिर उसने कब और कैसे बाबा जी की दवाई को मान्यता दे दी। लेकिन बाबा जी की लफाजी ज्यादा देर नहीं चली और फिर फेल हो गई। इस बार खुद WHO ने ही स्वामी जी के दावे को सिरे से नकार दिया था, लेकिन एक बार फिर स्वामी जी परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने पूरी मेडिकल बिरादरी पर सवाल खड़ा कर दिया है। रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथिक दवाइयों की वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं। रामदेव अपने बयान में कहते हैं कि एलोपैथी ऐसी बेकार साइंस है कि पहले इनकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फेल हो गई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, स्टेरॉइड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, आइवरमेक्टिन भी फेल हो गई, बुखार के लिए फेबीफ्लू दे रहे हैं वो भी फेल है। स्वामी रामदेव ने आगे ये भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बॉडी का तापमान उतार देते हो, लेकिन शरीर के अंदर उस वायरस को खत्म नहीं कर रहे हो,
जिस कारण बुखार हो रहा है उसका तो निवारण तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं उस पर हो सकता है कि कुछ लोग इस पर बड़ा विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई है उससे ज्यादा मौतें एलोपैथी की वजह से हुई हैं, स्टेरॉइड की वजह से हुई हैं। स्वामी रामदेव ने अपनी बात का बचाव करते हुए कहा कि एलोपैथी साइंस पूरी तरह खराब नहीं है। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस का स्वागत करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, लेकिन अब तो बवाल हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या तो वीडियो में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करें और देश की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भंग करें, या फिर बाबा रामदेव पर मुकदमा चलाकर महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज करें। आईएमए ने प्रेस रिलीज में कहा है कि इस तरह के बिना सोचे समझे बयान पढ़े लिखे समाज के लिए खतरा है और इनके बयान अनपढ़ गरीब वर्ग के लिए खतरा है। आईएमए ने कहा है कि बाबा रामदेव ने उन 1200 से अधिक डॉक्टरों की मौत का अपमान किया है जिन्होंने कोरोना की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इतना ही नहीं, आईएमए ने रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के उत्पादों के बारे में समय समय पर झूठ बोलकर जनता को बहकाया है। कोरोनिल और श्वासरी पर विवाद सभी को मालूम है, लेकिन हमारा सवाल है कि आईएमए आखिर किससे एक्शन लेने की गुहार लगा रहा है। अगर आईएमए डॉक्टर हर्षवर्धन से एक्शन लेने के लिए बोल रहा है तो शायद आईएमए इस बात को भूल रहा है कि यही डॉक्टर हर्षवर्धन बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रामदेव की बूटी बेचते नजर आए थे। बाबा रामदेव वही व्यक्तित्व है जो शहद में चीनी का शीरा मिलाते रंगे हाथ पकड़े गए थे, अपने हर प्रोडक्ट को स्वदेशी कहते हैं, देशभक्ति से लबरेज बताते हैं, लेकिन इनके आंवले के जूस में गड़बड़ी की वजह से आर्मी कैंटीन ने ही बिक्री पर रोक लगा दी। आखिर क्या रिश्ता है बाबा रामदेव से स्वास्थ्य मंत्री का? यह रिश्ता क्या कहलाता है? और इससे आखिर इशारों इशारों में पत्रकार वसीम आजमी का एक शेर मुलाहिजा फरमाए, खोटा सिक्का है सियासत में भी चल जाता है, ओढ़ के धर्म की चादर वो बदल जाता है, उसकी फितरत में है बस बकवास किए जाना, वरना कोई हुकूमत से यूं बच के निकल जाता है। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी जरूर दबा दें, इससे हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @हर्षिता एस मिश्रा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।